ये ब्लॉग है हडिम्बा टेंपल का ब्लॉग, बर्फ फेंकते फेंकते हम फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, बहुत हार्ड बर्फ है हडिम्बा टेंपल पे। और ये है हडिम्बा टेंपल का कुछ सीन, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और अभी चलते हैं डुंगरी वन विहार में। ये एंट्री टिकट का कुछ फेयर है और एज वगैरह। नाउ आई एम जस्ट एंटर्ड दी वन विहार और कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अंदर। ये सीधा अंदर जाता है। ये देखिए, यहाँ पे पेट अलाउ नहीं है। और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का फेमस हडिम्बा टेम्पल है। और ये जस्ट इसके आगे पीछे, ये इतना बढ़िया माहौल देखने को मिल रहा है हमें। दिसंबर के महीने में भी इतना धूप है, मैं ये देख के वंडर हो गया। मैं बोला क्या हो गया ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी के दिनों में आया हूँ। और ये नीचे जो मार्केट वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ के लोकल मार्केट्स हैं। हिमाचल का ट्रेडिशनल डांस। अभी जस्ट मैं ऊपर आके बैठा हूँ मार्केट के ऊपर, और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। हाँ हाँ, बस ये पीछे का व्यू है। ये कुछ है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एज यू कैन सी ये सब। इस पे प्राइजेस वगैरह भी हैं। और ये सारे लौंडे फाइनली स्नो वाला सीन बनते हुए। बहुत हार्ड बर्फ है यार, थक गया हूँ। हडिम्बा टेम्पल के जस्ट नीचे स्पॉट है स्नो वाला। और अभी चलते हैं ऊपर। ये जो रास्ता दिख रहा है ये बहुत ही हार्ड है, इस पे पैर बहुत ज्यादा फिसल रहा है। चलते रहो ऊपर। डांस की वीडियो बनाओ, डांस करो, डांस डांस की वीडियो। अरे वीडियो बना, हाँ जो ना करने का वो बना देगा। शाहरुख भाई स्नोमैन बनते हुए ऊपर चढ़ गए। अबे रहन दो, शाहरुख भाई का गुस्सा फूटा और ये है बदला। और ये वाला जस्ट फोटो पोज के लिए है और कुछ भी नहीं। ओए पब्लिक, क्या बोलते, वीडियो चालू है, ले मचा है क्या? अबे गाना लेके किधर गया? सारे बंदे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं यहाँ।
देखते हैं कौन सबसे बड़ा लोल्ला बनाता है। और यो रहा आजा मु आ रहा हूँ। वो पानी है जहां जहां निशान बने वहीं पैर रखो। यहां निशान बना है और यहां। ओए भाई थक गया। अब धूप दिखा और ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ये सारे सेब के हैं। एज यू ऑल नो जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा सेब की खेती यहीं होती है हिमाचल प्रदेश में। पिछले 4 घंटे से बर्फ पे हैं। हाँ सारा थकान हो गया। और एट लास्ट आई एम गोना राइट माय नेम माय यूट्यूब चैनल नेम। जिन बंदों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो जाके कर ले। बर्फ पे अपना नाम लिखने का मजा ही कुछ और है। बहुत अच्छा फील है ये फीलिंग हैप्पी बहुत सारा हैप्पी। और ये रहा ओवरऑल आज का ब्लॉग।